गन्ना विकास परिषद गुलरिया, चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और ये जिस खेत में खड़े हुए हैं, ये प्रगतिशील कृषक हैं श्री श्रवण कुमार जी। श्रवण कुमार जी, और देखिए इसमें ये पेयर्ड रो टेंथ बीज से गन्ना लगाया गया है, CO0118 अर्ली गन्ना प्रजाति है और सिंगल बड से लगाया गया है। और ये देखिए चीनी मिल के CDO हैं, गन्ना विकास अधिकारी। तो इनसे पूछूंगा कि इसकी खेत की तैयारी से लेके अब तक इसमें क्या क्या प्रतिक्रियाएं की है, तो बताइए भाई खेत की तैयारी कैसे करते हैं किसान है? सर, खेत की तैयारी पहले तो सर गहरी जुताई की गई। किससे? MB प्लाऊ से। सर MB प्लाऊ से? जी सर। अच्छा, तो क्योंकि प्रगतिशील किसान है सर, इसलिए MB प्लाऊ से जुताई करने के बाद फिर MB प्लाऊ से गहरी जुताई कर दी। उसके बाद सर इन्होंने हैरो 2 लगाया है। हैरो 2 लगाया? जी। कैसे हैरो लगाते हैं, एक ही दिशा में या नहीं, एक बार ऐसे लगाया? पहले एक बार लंबा लगाते हैं सर, एक बार बेड़ा लगाते हैं। अच्छा, ठीक। उसके बाद पाटा लगा देते हैं सर। पाटा लगा देते हैं? जी सर। अच्छा, उसके 2-3 दिन बाद सर फिर कल्टीवेटर इसमें लगाते हैं। कल्टीवेटर लगाते हैं, गहरी जुताई और एक बार हो जाए। तो गहरी जुताई तो एक बार हो ही गई? नहीं नहीं, एक बार और करते हैं सर, और उसके लास्ट में जब करते हैं सर वो रोटावेटर लगा देते हैं, क्योंकि भुरभुरी जमीन हो जाए, ढेला जो है फूट जाता है। रोटावेटर लगा देते हैं। तो रोटावेटर लगाने के बाद खेत गन्ना बुवाई के लिए तैयार हो जाता है? जी सर। जी सर। तो फिर उसमें ट्राइकोडर्मा वगैरह यूज करते हैं? वो रोटावेटर जब लगाते हैं सर, उससे शाम को एक दिन बिफोर पहले ही, यानी जब रोटावेटर लगाने वाला होता है उसके पहले ही उसमें ट्राइकोडर्मा बखेर देते हैं शाम के, जब खेत में पाटा लगा होता है। जी जी सर। तो ट्राइकोडर्मा एकड़ के हिसाब से बताइए कितना डालते हैं? सर 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा हमारे किसान भाई, हम लोग जो डस्ट देते हैं चीनी मिल से, लगभग 4 से 5 kg। 5 किलो ट्राइकोडर्मा? किलो या लीटर? KG सर। अच्छा, KG में। लिक्विड में आता है या पाउडर में? पाउडर में सर आता है। लिक्विड में नहीं आता? नहीं, लिक्विड में हमारे यहाँ जो दिया जाता है वो पाउडर। अच्छा, तो 5 किलो कितने उसमें कहते राख में मिला देते? लगभग सड़ी हुई गोबर खाद में मिलाया जाता है। हाँ। लगभग 1 क्विंटल हो जाए तो और अच्छा है सर, क्योंकि बराबर छींटा लगे। जब वो उसको मिलाते हैं जी, तो कैसे उसको तैयार करते हैं? उसको तैयार ऐसे करते हैं सर, उसमें तो 5 किलो वो डाल दिए, 1 क्विंटल गोबर की खाद होगी ट्राइकोडर्मा, ठीक है, और कम से कम 2 किलो सड़ी हुई गुड़ डाल देते हैं। उसके बाद पानी का छींटा लगा देते हैं। क्या गुड़ भी सड़ी होती है क्या? नहीं सर, पुरानी गुड़। पुरानी गुड़ बोलिए? हाँ, पुरानी गुड़ ले लेते हैं सर। हाँ। तो ज्यादा असरदार इसमें होती है सर। हाँ। उसके बाद छींटा लगा देते हैं, मिक्स कर देते हैं। हाँ, मिक्स। हाँ से। इतना मिक्स दो तीन बार मिक्स कर देते हैं, जिससे मिक्सचर अच्छा बन जाए। अच्छा, उसके बाद टाट का जो होता है बोरा सर, उसको डाल देते हैं और उस पर पानी फिर डाल देते हैं। स्क्रीन पे मुखातिब रहिए जी। हाँ, क्योंकि उसमें नमी मेंटेन रहे। वो छाया में रखते हैं कि धूप में? छाया में सर। अच्छा, कितने दिन तक? वो लगभग 1 हफ्ते के आसपास। पेड़ के नीचे? पेड़ ना हो तो? तो घर के छप्पर वगैरह हो या कमरा बना हुआ हो। कितने दिन में तैयार हो जाता है? लगभग 1 हफ्ते में सर। तो उसमें बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। तो जब ये पहली बार वो मिक्स करके रखते हैं तो उसमें पानी क्या तुरंत स्प्रे करना पड़ता है? हाँ, जब करते हैं सर पानी पहले डालना पड़ता है। कितनी बार हफ्ते भर में, जब तक वो तैयार नहीं हो जाता है पानी स्प्रे करना सर? डेली, सुबह या शाम या दोपहर में? सर शाम को ज्यादातर किसान करते हैं, शाम को जब आते हैं खेती बाड़ी। किस समय क्या है उसका? ऐसा सर उचित समय जो है वो सुबह ज्यादा है। अच्छा, सुबह करना चाहिए यदि मॉइस्चर कम वाली। एक बार वो तैयार हो गया हफ्ते भर में जी, और फिर जब वो खेत तैयार करने के बाद जब पाटा लगा देते हैं जी, रोटावेटर चलाने से पहले बिफोर, फिर उसमें मिक्स करते हैं इसको? जी सर। मिक्स क्या, उसे बखेरते हैं? पहले बिखेर देते हैं, पाटा लगा होता है। हाँ, तो वो जो बखेरते हैं वो सुबह बखेरते हैं, दोपहर में या शाम में? शाम में सर, शाम जब सूरज ढलने वाले हो, ढलने वाले, क्योंकि उसकी रोशनी ना लगे, टेम्परेचर। अच्छा, अगर सुबह कर दें या दोपहर में तो सर ये तो उतना लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लाभदायी जो बैक्टीरिया है सर। हाँ। वो मर जाएंगे दो। अच्छा, फिर करिए, फिर उसके बाद रोटावेटर चला दिया? फिर उसके बाद रोटावेटर चला दिया सर, तो उसके बाद अगले दिन सुबह से सर बुवाई होने लगती है। अच्छा जी, तो ये जो बोया गया है गन्ना किस बीज से बोया गया है? दूरी काफी लग रही है इसमें। ये सर 4 फुट की दूरी है, 4.25 फुट पे है, इसलिए इन्होंने दूरी पर बोया है, क्योंकि ट्रैक्टर चल जाए सर, जो हम लोगों ने स्मॉल ट्रैक्टर दिया है। कौन वाला ट्रैक्टर? बड़ा वाला कि छोटा? नहीं, छोटा स्मॉल ट्रैक्टर, जियो महिंद्रा का जियो दिया गया। अच्छा, हाँ, क्योंकि उनके पास छोटा ट्रैक्टर है। हाँ, तो इसके जो किराए... इन कुड़ों के बीच में चल जाएगा। हाँ, बीच अच्छा, इसकी जो जब बुआई किया गया तो ये नाली का हिस्सा खोली गई है? ये सर ट्रेंच आता है पियर रो में। पियर रो? जी सर। जिसमें एक ही उसमें नाली में 2 फाल चलते हैं? जी सर, दो नाली बनाते दो हैं। नाली एक साइड में, वो जो पेयर्ड रो है जी, तो जो एक नाली में चलता है
दो फाल जी जी, तो वो दो फालों के बीच की दूरी कितनी होती है? लगभग सर अपने किसान अपने हिसाब से रखता है, कोई 100 फुट कर देता है, कोई 1.5 फुट भी कर देता है। अच्छा, क्या चेंज करने का भी ऑप्शन है? जी सर उसमें ऑप्शन है। तो इसमें क्या वो दोनों नालियों में गन्ना डालते हैं या दोनों नालियों में? दोनों में सिंगल वर्ड कैसे डालते हैं? बीड़ा बीड़ा डालते हैं? नहीं, खड़ा 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 एक एक गुल्ली का बीज काट लिए हैं सर, उसको जैसे नाली बनी हुई है सर, तो एक यहाँ डाल दिए, फिर 3 इंच आगे, 3 इंच आगे। कितनी दूरी पर रखते हैं? लगभग 3 से 4 इंच। एक सिंगल आंख का जो टुकड़ा होगा वो 3 इंच पर रखते हैं? 3 से 4 इंच की दूरी। 3 से 4 इंच जी सर। तो एकड़ में कितना सीड लग जाता होगा अगर सिंगल इस्तेमाल? लगभग बहुत ज्यादा 15 क्विंटल सर। 15 क्विंटल जी सर। अच्छा, ये बुआई से पहले इसका बीज का शोधन करते हैं? हाँ। कैसे? ये सर एमेडा रसायन से, एमेडा क्लोरोपेट और हेक्जास्टा। कितने पानी में अगर हमको 1 हेक्टेयर की बुआई करनी हो जी, तो हमको कितना पानी लेना पड़ेगा? 15 क्विंटल आप कह रहे हैं एकड़ में गन्ना लगेगा जी जी, तो उसको शोधित करने के लिए सर ऐसा हम लोग एक किसानों को ड्रम मुहैया कराते हैं। हाँ हाँ ठीक है, ड्रम मुहैया करा दिया, उसमें कितना पानी? 100 लीटर की ड्रम है सर उसमें। हाँ, लेकिन उसमें पानी जो आता है क्योंकि हम सीड भी डालेंगे तो 80 लीटर पानी आता है। 80 लीटर, तो किसान को बता दिए हैं 100 ml की एमेडा क्लोरोपीड आती है। हाँ। उसमें से 30 ml आपको पहले राउंड में डालना, जैसे जैसे उसका पानी कम होता जाएगा, और 100 ग्राम हेक्जास्टा। पानी कम होता जाएगा मतलब जब सर टुकड़े सोखते जाएंगे? टुकड़े सोख लेते हैं, पानी भी उसके साथ तो थोड़ा पानी का लेवल उतना पूरा नहीं कर सकते? नहीं करते हैं, 5-5 लीटर 4-4 लीटर बढ़ाते जाते हैं। तो पहली बार उस 100 लीटर पानी में 30 ml 30 ml एमिडा क्लोरोपेट और 100 ग्राम हेक्जास्टा। हेक्जास्टा थायोफिनिड मिथाइल, एमिडा इंसेक्टिसाइड है और फंगीसाइड। वो जो हेक्जास्टा है फंगीसाइड, वो फंगीसाइड सबसे बेस्ट फंगीसाइड है। अच्छा, कितनी देर उसमें टुकड़े डुबोते हैं सर? डुबोना तो चाहिए आधा घंटा मिनिमम। अच्छा, लेकिन किसान इतनी देर डुबो नहीं पाता है। क्यों नहीं डुबो जाता आप बताइए ना उससे? इसलिए सर उसको 5 मिनट वो डुबोता है। 5 मिनट से कोई फायदा नहीं होगा क्यों? इसलिए हम किसानों को आप बताइए ना कि आपने पूरी, अगर आपने पूरा कवायद किया है, इसकी शोधन की आप सारी तैयारी कर ली है जी, तो 10 मिनट और बढ़ाइए, कम से कम 20 मिनट तो पड़ा है। कुछ किसान से शुरू कर दें नाइट शो भी, पूरे मतलब शाम को। नाइट शो का मतलब वो पूरी रात भीगता रहता है, जैसे ट्रॉली बना लिए, गड्ढा बना लेते हैं कुछ। अच्छा। किसान गड्ढा बना लेते हैं, उसमें पॉलीथीन डाल देते हैं। हाँ। पॉलीथीन फैक्ट्री गड्ढा क्या, खेत में ही डाल देते हैं? खेत में एक साइड में गड्ढा बना लेते हैं, उसी में टुकड़े डाल देते हैं। उसमें टुकड़े डाल दिए, अगले दिन बॉइस की शुरू करते हैं। ट्राली में भी तो डाला जा सकता है? हाँ, ट्राली में अगर पानी रीच नहीं कर रहा हो नीचे को, अगर कोई सुराख नहीं है तो उसी में पानी भर दिया जाए, उसी में इतनी दवाई डाल दी जाए, और वही जहाँ खेत में गन्ना वगैरह हमारे खेत में जहाँ गन्ना उन्होंने काटा है, और उसी में ट्राली में भर दें, खड़ा कर दें, और सुबह ले जाके वहाँ वहाँ खड़ा कर दें। हाँ। उसे बुआई करते रहते। अच्छा, तो ये तो शोधन हो गया जी। और बीज की बुआई, तो एक एकड़ की बीज की बुआई में अगर एक आंख का टुकड़ा बोना है तो कितने श्रमिक लग जाते हैं? लगभग 20 श्रमिक 20 श्रमिक। हाँ सर। अच्छा, क्योंकि देख कर बोना पड़ता है सर, और उसमें जो आंख है। 20 श्रमिक एक एकड़ की बुआई कितने समय में कर लेंगे? एक दिन में हो जाएगी? एक दिन में बड़े आराम से सर। अच्छा जी सर। तो अगर 20 श्रमिक लगाए हैं तो 20 श्रमिकों का किस हिसाब से आप काम बांटते हैं, कौन क्या करेगा उसमें? सर जो जैसा कि हमारा श्रमिक है, जैसे बच्चे जो हैं वो गन्ना डालते हुए चले जाएंगे। बच्चों से तो हम काम कराते नहीं है। नहीं सर, बच्चे के मतलब 18 साल से ऊपर वाले जो हैं तो बीज डालते चले जाएंगे। जो कुछ होशियार भी 2-3 आदमी उसमें रखे जाते हैं, जो आँख को बट देखते रहे ऊपर के हिस्से में ऊपर करते जाए, तो उनको ऐसे लोगों में रखा। ये आँख ऊपर रखनी चाहिए? हाँ सर, आँख ऊपर रखे जो है ये तो जमाव भी जल्दी होगा, टिलर्स भी ज्यादा निकलेंगे। तो ये सिंगल आग का जो बोया गया इसमें कितने % जर्मिनेशन हो गया अंकुरण? इसमें हमको लगता है सर 70% जमाव है। 70% जमाव है जी सर। और सिंगल आग का है तो 100% हो जाना चाहिए, पूरा नहीं, नहीं हुआ सर? 90% से ऊपर नहीं हो पाता। क्यों? अगर आग खराब नहीं है, एक ही आँख रख रहे हैं तो वो तो देख के रखते हैं आँख ऊपर रखना। सर होता क्या है, आँख तो हमको अच्छी दिखाई पड़ती है लेकिन अंदर से डैमेज हो गई। अच्छा, 90% 30% तो डैमेज नहीं हो जाएगी? नहीं 30 नहीं, लेकिन 90% से ज्यादा जो हम सीडलिंग लगाते हैं। 20% क्यों रह गया? क्योंकि हम जब सीडलिंग सर तैयार कराते हैं तब 90% से ऊपर उसका भी जमाव नहीं होता है, जबकि बड हम जल लगाते हैं। हम लोग तैयार कराते 100% हो जाता है सर? हो जाता है, लेकिन 100% मतलब सभी ट्रेनों में 100% नहीं हो सकता। तो फिर एक बार बुआई करा दी तो इस पे मिट्टी कैसे डलवाते हैं टुकड़ों पे? फावड़े से सर। फावड़े से या कुदाल से? हाँ मतलब फावड़ा हो या फावड़े से मिट्टी ज्यादा गिर जाएगी? नहीं सर ज्यादा नहीं गिरती, इतनी भुरभुरी होती जितनी पाटा लगा दे। पाटा लगा दे तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसे पाटा ना लगाए सर। नहीं, पाटा लगाने नहीं चाहिए। हाँ पाटा नहीं लगाना, पाटा लगाना लाही लेने के लिए क्या पाटा लगाना जरूरी था क्या? लेकिन किसान ऐसा चाहते हैं कि हमारा बिल्कुल बराबर हो जाए सर, जबकि हम लोग मना करते अगर हैं। अगर किसान तकनीक से थोड़ा इतर हट रहे हैं तो हम लोगों का दायित्व तो भी है, उनको बताएं हम सर बता रहे हैं, लेकिन एक साथ में सारे आदमी हमारे नहीं समझ पाएंगे। हमने कब कहा कि आप 100 को बताया 100 मान लें?
सौ को बताया, अगर पांच लोगों ने माना तो अगली बार पांच लोग और देखेंगे ना, अगर नहीं ये टेक्निक अच्छी है तो फिर वो भी करने लगेंगे। करते हैं सर ऐसा करना, पहली बार कोई तकनीक केवल 3% अडॉप्ट करते हैं जी, फिर उसको देख के करते हैं जी सर। 25% लोग तब करते हैं जब बिल्कुल सारे लोग करने लगते हैं, जब कोई खतरा नहीं मैं भी कर लेता हूँ। ऐसा है सर, किसानों को हमने खूब जागरूक किया, हमने कहा 15-0-23 हर एक आदमी बोना चाहिए, इस बार चाहिए 1 बीघे बोए, चाहिए आधा बीघा। चलो ये ठीक हो गया, आप बुआई हो गई एकड़ की, फिर ये सह फसल कैसे बोते हैं? सह फसल तो इन्होंने तो छींटा लगा दिया था, लेकिन कैसे छींटा लगा दिया? फर्टिलाइजर में हल्का फर्टिलाइजर ले लिया, एनपीके वगैरह, और वो बुआई से पहले ही बुआई, गन्ने की बुआई करने। आप अपनी वैज्ञानिक तकनीक बताइए। वैज्ञानिक तकनीक ये है सर, जब गन्ना बुआई हो जाए, गन्ना बुआई हो गई 1 एकड़ की जी, तब ये सह फसल कैसे बोएंगे उसको बताइए। इसको सर इसमें से 2 या 3 नाली बना लेना चाहिए था किसान को, और इसी में इसके पीछे पीछे सीड डाल देना। तो इसमें कितनी सरसों की नाली होनी चाहिए? 3 सर, 3 नाली। 3 नाली, वो नाली किससे बनाते हैं सर? एक देसी हल भी गांव में है, बैलों वाले देसी हल से बनाते हैं, भी बन जाएगा। सरसों क्या उन्हीं नालियों में डालते हैं? उन्हीं नालियों में हल्की हल्की डाल दी जाए, क्योंकि उसका सीड रेट है सर बहुत कम लगता है। कितना एकड़ में सरसों का सीड लगता है? मुश्किल से सर 1 बीघे में वही 700 ग्राम के, 700 ग्राम, तो 7×5 35 करीब 3 किलो लग जाएगा जी सर, 3.5 किलो। इसको आदमी होशियार भी होना चाहिए सीड डालने वाला सर, अच्छा। क्योंकि बहुत कम मात्रा में जो बोएगा वो होशियार ही होगा। तो ये बो दिया कि सरसों पे पाटा लगा देंगे या ऐसे छोड़ देंगे? नहीं सर, उसमें तो लाइन से बोया जाए दिया। तो उसको सर ये करना चाहिए सर, बहुत हल्की हल्की ऐसे बराबर कर देना। हाथ से कैसे करेगा? हाँ, हाथ से, कुदाल से किसी चीज से बराबर कर दे, अच्छा। तो लाही बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हम लोगों ने अगर उसके पीछे हल्का सा ये करहा चला दे जो सर और बेस्ट हो जाएगा, कोई पकड़ ले हल्का सा करहा से और बेस्ट हो जाएगा सर। तकनीक बताया करिए ना, ठीक है। एक बार जब अंकुरण हो गया, बुआई हो गई, अंकुरण हो गया, अंकुरण CO0118 गन्ना प्रजाति है ना जी, कितने दिन में इसका हो जाता है? ये सर अक्टूबर में जो होता है, जो अक्टूबर में बो दें तो 1 महीने में ही निकल आता है। अक्टूबर मंथ में तक बुआई जो हो जाए तो 1 महीने में, 1 महीने में क्या, वो तो 10 दिन में निकल आता है। नहीं सर, CO0118 नहीं, ये सितंबर में हो तो 15 दिन में ही सब क्लियर हो जाता है, लेकिन अक्टूबर महीने में हल्की सी सर धूप कम होती है। 1 महीने मान लिया जी, फिर उसके बाद गन्ने में क्या करना चाहिए? गन्ने में सर ये है जो बीच नाली में हमारे, अच्छा ये बताइए, छूट रहा था, बुआई के समय में उर्वरक कौन सा देते हैं गन्ने के लिए और फिर सरसों के लिए, इंटरक्रॉप के लिए? सर सरसों के लिए जो हम पहले, तो गन्ने के लिए बताइए एकड़ में कितना देते हैं सर? 2 बोरी NPK प्रति एकड़ के हिसाब से हमारे किसान डालते हैं। कैसे डालते हैं सर? जब ये नाली निकल गई तो आगे आगे तो इसको फर्टिलाइजर हमारा किसान डाला, पीछे से गन्ने बोई, तो वो खाद खाद टच में नहीं आ जाएगी? नहीं सर, वो ऐसा है थोड़ी बहुत मिट्टी गिर जाती है, मिट्टी गिर जाती है किसानों को हम क्योंकि गन्ने के टुकड़े के टच में खाद नहीं आनी चाहिए। हाँ सर, उर्वरक यदि आंख के आसपास आ जाएगी तो आंख को डैमेज कर देगा जी सर। हाँ। तो किसानों को ये भी हम बताते हैं, थोड़ा पैर वगैरह चला देना, आगे आगे डालिए तो उसमें मिट्टी में जो मिल जाएगी। 2 जी सर NPK की 2 बोरी 2 बोरी 19-19-19 हाँ सर, नहीं 12-16 12-32-16 जी सर। और फिर सरसों के लिए क्या अलग से देंगे या उसी से काम चल जाएगा? नहीं नहीं सर, अलग से। कितना सरसों के लिए कितना? सरसों के लिए 1 बोरी सर, क्योंकि कुछ इसमें का भी ले लेगा, 1 बोरी अलग से देना पड़ता है NPK जी सर। यूरिया वगैरह नहीं डालते हैं? नहीं, यूरिया सर क्योंकि NPK के साथ में ही होता है, सुपर जरूर दे देते हैं जो लोग खाद सुपर फास्फेट। हाँ, ये एकड़ के हिसाब से कितना देते हैं सर? 1 बोरी 16% वाली। वो कैसे यूज करते हैं वो सर? जब सारी खादें मिला के डालते हैं या कुछ अलग? नहीं नहीं सर, जो NPK है तो अलग गन्ने में देते हैं, और इसको जो देते हैं SSP को इसको मिला लेते हैं, जबकि हम लोग मना करते हैं उसके साथ नहीं मिलाना चाहिए, नहीं मिलाना चाहिए, नहीं मिलाना चाहिए, मिलाना चाहिए, नहीं मिलाना, नहीं मिलाना चाहिए सर। उसको कैसे देंगे सिंगल सुपर, कैसे देना चाहिए SSP को? SSP को ऐसा है सर, केवल SSP जो दानेदार भी आती है और पाउडर फार्म में आती है, लेकिन पाउडर फार्म वाली सर ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। SSP क्यों डालते हैं? उसमें क्या ऐसा मिलता है सिंगल सुपर फास्फेट में? सल्फर भी मिलता है उसमें, सल्फर होता है, तो लाही सर जो है उस सल्फर उसको ये दे दी जाएगी तो बहुत अच्छी लाही हमारी। यानी सिंगल सुपर फास्फेट देने का मतलब है कि उसमें सरसों जो सल्फर होता है वो सरसों को फायदा करता है। यस सर, गन्ने पे भी रिस्पॉन्स है सल्फर का, आप है आप गन्ने पे भी रिस्पॉन्स है जी। यदि हमारा गेहूं ना चलता है या लाही जिस प्लाट में नहीं चल रही है और नमी मार रही है, यदि आप सल्फर का स्प्रे ऐड कर दीजिए या सल्फर डाल दीजिए तो 4 दिन के अंदर रिजल्ट दिखाई पड़ने लगता है। सरसों अगर एक्सेस हो गया जी तो ये गन्ने को ढक नहीं लेगा? नहीं, तो हम बताते हैं ना सर, उसकी हटवा करते हैं, थिनिंग करते हैं, थिनिंग कर देते हैं किसान। अच्छा, जहाँ पे गन्ना है जी, यहाँ की बनी रहेगी, यहाँ की थिनिंग हो जाएगी? हाँ, वहाँ की थिनिंग हो जाएगी, इसीलिए हम प्रेरित भी अपने किसानों को करते हैं लाइन से ही
बुआई करें। तो एकड़ के हिसाब से कितना सरसों हो जाता है अगर अच्छा सरसों है तो? अच्छा सरसों है तो 7 क्विंटल तक प्रति एकड़। 7 क्विंटल ये काली वाली सरसों है या पीली वाली? पीली वाली सर। अच्छा, यहाँ तो हमने देखा सारे किसान पीली वाली ही बोते हैं। पीली वाली ही ज्यादातर बोते हैं। सरसों बुआई के कितने दिन बाद कट जाती है? सर लगभग 85 दिन। 85 दिन, 90 दिन में कट जाएगी। 80 से 90 पीली तब तक गन्ना दबा रहता है। तब इसीलिए हम लाइन सरसों कटने के बाद फिर गन्ने में कौन सी इंटरकल्चर ऑपरेशन करेंगे जिससे गन्ना जो स्लो ग्रोथ में है वो फास्ट हो जाए? उसको सर सबसे पहले जस हमारे सरसों निकलेगी सबसे पहले हम इरिगेशन कराते हैं। इरिगेशन तुरंत? अच्छा। इरिगेशन कराने के बाद हल्की हल्की उसको कहते हैं किसान से इसमें कल्टीवेटर चलाइए। कल्टीवेटर चलाइए या रोटावेटर मिनी वाला? नहीं, कल्टीवेटर चला देगा तब भी वो जल्दी। कल्टीवेटर कैसे? डायरेक्ट रोटावेटर सर छोटा वाला। कल्टीवेटर कैसा चलेगा? कल्टीवेटर इसमें जो ट्रैक्टर वाला है सर इसमें 2 प्रकार से चल जाता है। मिनी ट्रैक्टर वाला तो इसी में हो जाएगा और उसमें 2 इधर एक साइड में बांध लिया पटिया में और एक इस साइड में बांध बड़ा वाला। बड़ा वाला 5 फाल वाला वहाँ तक कहाँ पहुँचेगा? नहीं नहीं सर 2 अलग अलग आ जाते हैं सर हमारे करते हैं। 2 अलग अलग मतलब? वो जो पटिया पीछे लगी होती ना सर उसमें लकड़ी बांध लेते हैं। मैं बता रहा हूँ बांध लिया लंबा तो एक उस साइड में कर लिए और एक इस साइड में। 2 कल्टीवेटर एक में? जी सर 2। ये कितने फाल वाला? 9 फाल वाला? हाँ सर 9 वाला। तो फिर ये गन्ना कैसे बचता है बीच में? एक इस साइड में चलेगा सर और एक इस साइड में चलेगा। यहाँ तो नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। नहीं तो कौन छोटा वाला तो बांधते होंगे ना? कौशल कंपनी का जो 9 फाल वाला आता है कल्टीवेटर। ये कल्टीवेटर नहीं सर हम बता रहे हैं, 9 फाल के। ये अलग अलग छोटा घटाने बढ़ाने वाला नहीं आता, ट्रैक्टर चलित वाला जो कानपुर की कंपनी देती है सर, कौशल कंपनी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अलग अलग ये बात समझ में नहीं आई भाई। ऐसा है सर जो ट्रैक्टर के साथ जुताई करता है 9 फाल का वो, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो बैल चलित कल्टीवेटर होता है मैं उसकी सर बात कर रहा हूं। तो ये बोलिए ना आप। लेकिन वो ट्रैक्टर के साथ में चलाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, यानी जो बैल चलित कल्टीवेटर है 5 फाल वाला, 5 फाल वाला उसमें बांध लेते हैं पाटा में लकड़ी के। हाँ। तो एक तो इसमें चलेगा और एक इसमें चलेगा। जी जी सर। तो उसमें 2 लोग पकड़ना पड़ता होगा। हाँ, पीछे पकड़ना, पीछे 2 लोगों को पकड़ना पड़ता होगा। तो ये इसको बोले जुगाड़। जी हाँ जुगाड़ ही है। हाँ, तो आप 9 फाल क्यों कह रहे थे? 5 इसमें हो गया, 5 उसमें हो गया। जी जी। तो 10 फाल चलेंगे तब ये छूट जाएगा। जी। अच्छा, कल्टीवेटर से आपने कर दिया वो एक बार जुताई हो गई, फिर क्या करेंगे? फिर इसकी फिर गुड़ाई करते हैं किसानों से। काहे से? कुदाल से। कुदाल से गुड़ाई फिर भी की जरूरत पड़ती है? हाँ, क्योंकि सारे के तो सारे। फिर यांत्रिकरण का फायदा क्या है अगर हमको कुदाल से गुड़ाई करनी है? नहीं सर, कुदाल से इसलिए किया जाता है सर, इसके अंदर तो नहीं निकल पाएगा और सारा का सारा कोई चीज होगी सर, केवल रोटावेटर ही ऐसी चीज है जिसको पूरा का पूरा कर देगा और सर कोई ऐसा यंत्र। यानी जो गन्ने की लाइन में यहाँ खरपतवार रहेगा उसमें कुदाल काम करे जाएगा? कुदाल काम कर जाएगा और सर इसमें भी छूट जाता है लगभग 10 से 15%। तो उसमें क्यों छूट जाएगा जब कहते हैं यहाँ रोटावेटर है तो उसको चलाए ना? नहीं, सबके पास नहीं, जिसके पास मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो उसको तो केवल जिसके पास रोटावेटर है सर उसमें तो बीच वाली नाली में करना पड़ता है। अच्छा। इसलिए किसान एक पैटर्न छोटा रोटावेटर तो एक ही नाली में चल जाएगा ना? हाँ जी सर, एक बार इसमें चलेगा एक बार उसमें चलेगा। और दूसरा सर है, अब किसान जो है हमारा वो सिंगल रो लगाने लगा है इसीलिए, क्योंकि बीच में भी हमको सिंगल रो लगाने लगा मतलब ये जैसे दो नाली है पियर रो सर। हाँ। जोड़ा। लेकिन अब किसान पियर रो में नहीं बोना चाह रहा है। क्यों? अब क्योंकि उसको जुताई जब कराए तो लेबर ना खर्चा आए, यानी जो कुदाल यहाँ बीच में लगानी पड़ती वो है वो नहीं लगानी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं। तो एक गन्ने के बीच में दूसरे गन्ने के बीच में घास तो फिर भी रह जाएगी? नहीं सर, उसमें बहुत कम रहती है। रहेगी तो नहीं रहती है उसमें बहुत कम। गुड़ाई करने से फायदा भी तो होता है, रेशन बढ़ता है उसका। बिल्कुल। अगर एक बार कुदाल लग जाएगी और उतना उत्पादन बढ़ जाएगा तो नुकसान क्या है? ऐसा है सर, उसमें फिर एक लेबर आ जाता है। अगर सिंगल लगाएगा तो ये प्लांट पॉपुलेशन कम नहीं हो जाएगी? नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि किसान वही सर लगाता है जो जितना जागरूक किसान होता है जो रहे। हम तो टेक्निक को ही बताएंगे जो ज्यादातर लोग एडॉप्ट कर रहे हैं, हम उसकी बात करेंगे ना। नहीं है ये वाला जो कहते हैं कि हम सिर्फ कुदाल से गुड़ाई न करें इसलिए हम जो है सिंगल लगवाएंगे तो प्लांट पॉपुलेशन तो आधी रह जाएगी। फिर जब सरसों कटने के बाद ये सारी इंटरकल्चर ऑपरेशन कर लिया तो उसके बाद फिर कौन सा उर्वरक इसमें डालेंगे? उसमें इसके बाद यूरिया। यूरिया डालेंगे? हाँ, कितना यूरिया? एकड़ के हिसाब से यूरिया डालते हैं सर, पहले राउंड में डालते हैं वही 45 किलो केजी का कट्टा आता है। हाँ। तो एक एकड़ में एक कट्टा डाल देते हैं। एक कट्टा कैसे डालते हैं, सूखे में या नमी में? नहीं सर, पहले सिंचाई कर लेते हैं, गुड़ाई कर लिया, फिर उसके बाद फिर पानी लगा दिया। तब उसके पानी लगाने के कितने दिन के बाद में यूरिया डालते हैं? उसी दिन कैसे डालेंगे उसमें? गीले में चलते रहते हैं सर, पानी एक तरफ पानी चल रहा है एक तरफ किसान। पानी में यूरिया डालनी नहीं चाहिए? लेकिन सर किसान डाल देते हैं। आप किसान डाल देते कि नहीं डाल देते उससे मतलब नहीं है, आप थोड़ा देख। ऐसा सर 3 दिन बाद
हाँ तो ऐसे हल्का ओट आ जाए, आप चलने लगोगे आपका पैर घुसे नहीं, आराम से चलने तब डालना चाहिए। जी जी सर, कभी भी पानी में आप यूरिया नहीं डालेंगे। ठीक ठीक। और बताइए फिर क्या करते हैं? फिर इसके बाद तब तक इसमें कुछ कीड़ा मकोड़ा दिखना शुरू हो जाते हैं? हाँ, कीड़े आ जाते हैं तो क्लोरोपाइरीफास का स्प्रे हल्का कीड़ा मार दे, इसलिए क्लोरोपाइरीफास एक एकड़ में आप डालते हैं, उसको रेकमेंड करते हैं कि स्प्रे करें? सर हम तो ढाई लीटर। ढाई लीटर? हाँ सर। कितने ईसी का? 50 ईसी। 50 ईसी का। कितने लीटर पानी में? 1000 लीटर पानी। 1000 हेक्टेयर की सर हम बात कर रहे हैं, एकड़ की नहीं। अच्छा, प्रति हेक्टेयर? जी सर। अच्छा तो 1 लीटर हो गया। हाँ, एक लीटर 400 लीटर पानी हो गया। 400 लीटर पानी में जी। फिर वो पानी सूखे में स्प्रे करेगा या नमी होनी चाहिए? सर नमी होनी चाहिए। कितने सिंचाई के कितने दिन बाद करना? लगभग 2 से 3 दिन बाद। ओट आ जाए हल्की सी, स्प्रे कर दिया। चलिए फिर इसकी गुड़ाई जुताई करते रहते हैं। तब मई का महीना जब आता है सर शुरुआत में, तो हम लोग कोराजिन के लिए किसानों को प्रेरित। कोराजिन अगर किसान नहीं डालना चाहे उसके पास विकल्प बताइए क्या? नहीं, कार्बोफ्यूरान वगैरह डाल दो। नहीं है वो सर, कार्बोफ्यूरान का भी अच्छा रिजल्ट है। कार्बोफ्यूरान कितना डालते हैं एकड़ के साथ? सर कार्बोफ्यूरान जो है सर लगभग 10 केजी फ्यूराडान या कार्बोफ्यूरान। कार्बोफ्यूरान? हाँ सर, 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए सर। अच्छा, और उसको किसानों को हम ये भी बताते हैं, हम वो तो किसी भी रासायनिक, हम तो 33 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान बोलते हैं हेक्टेयर में। हेक्टेयर में 33 किलोग्राम शुद्ध रिकमेंडेड। अगर आप दवा कम डालते हैं ना तो फिर उसका भी कोई मतलब नहीं होता है। रिकमेंडेड डोज है 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और किसानों को ये भी हम बताते हैं, जो लोग फ्यूराडान डाल रहे हैं, पहले बात किसी भी रासायनिक खाद में उसको नहीं मिलाना चाहिए, नहीं मिलाना चाहिए। हाँ। और दूसरे दस्ताना पहन के ही। हाँ, और मास्क लगा के, और मास्क लगा कर ही उसका यूज करना। वो सबसे खतरनाक दवाई फ्यूराडान है, उससे ज्यादा खतरनाक कोई दवाई नहीं है। तो उसको सबसे ज्यादा, कोई भी दवा का जब स्प्रे करेंगे मास्क जरूर होना चाहिए। और दवा डालते समय चाहे वो कोई भी हो, फंजीसाइड भी हो चाहे इंसेक्टीसाइड, कभी हाथ ऐसे नहीं ले जाना चाहिए नाक या मुंह में। पानी अगर आपको पीना है अच्छी तरीके से साबुन फिर लगा के उसको, नहीं बता देते हैं सावधानी बरतनी चाहिए। और दोपहर में कभी नहीं डालना चाहिए, उसको शाम के समय ही डालना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी जानकारी देने के लिए।